दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एक्सेस वीजा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो कुछ को मेरे वीर भैन दिया जो दो दिन हो गए क्वेरीज आ रही हैं बायोमैट्रिक और पासपोर्ट सबमिशन को लैके कि असी अपना पासपोर्ट किवें सबमिट करवाइए तो बायोमैट्रिक का है कि असी बायोमैट्रिक जो है दुबई जाके अपनी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते कि वो सेफ है या नहीं सेफ। सो फर्स्टली आप गल करते हैं जी बायोमैट्रिक के रिगार्डिंग अपने बायोमैट्रिक दुबई जाके करवा सकते हैं जो बिल्कुल सेफ है। मेरे भी दो या तीन क्लाइंट के बायोमैट्रिक असं दुबई तो करवाए ने उन्होंने हो उत्थे बहुत वधिया प्रोसीजर हुंदा जी हार्डली 30 तो 40 मिनट लगते हैं उत्थे बायोमैट्रिक की प्रोसीजर वास्ते। सो जो दुबई का प्लैन है तुसी अपने किसी भी लोकल ट्रैवल एजेंट तो अपने दुबई का टूर प्लैन करवा सकते हो उत्ते हार्डली 35 तो 40 हज़ार का अराउंड फिगर इन्ना खर्चा आता अगर आप अज के समय गल करिए। एक वीर का क्वेश्चन सी कि ये उत्थे जाके बायोमैट्रिक करवाउण दा साडी फाइल दे नत्ते कोई पॉजिटिव या नैगेटिव इंपैक्ट पैंदा या नहीं पैंदा। सो तुहानू दस दईए कि बायोमैट्रिक का तुहाडी फाइल की अपरूवल या रिफ्यूजल के नाल कोई भी रिलेशन या कोई भी लेना देना नहीं हुंदा क्योंकि बायोमैट्रिक तुसी दुबई जाके करवाने हो या इंडिया के करवाने हो इमीग्रेशन ऑफिसर नूं इस चीज़ के उपर कोई फैसला नहीं देना क्योंकि उन्हां दी जो रिफ्यूजल जां उन्होंने अपरूवल देनी है तुहाडी फाइल नूं देखदे हुए देनी है। तुहाडी फाइल अगर कंप्लीट है वो सैटिस्फाइड हुंदे ने तां उह अपरूवल देणगे नहीं तां उन्होंने नहीं देनी। तो कोई भी जो वीज़ा ऑफिसर है उन्हें यह चीज़ देख के तुहाडी फाइल रिजैक्ट नहीं करनी कि यह दूसरी कंट्री दे विच जाके अपने बायोमैट्रिक दे के आ रहा। सो जिन्हां वीरां नूं बायोमैट्रिक दे पहला दे लैटर आए हुए ने और वो एक्सपायर हो चुके ने तुसी उस लैटर के उपर ही अपने बायोमैट्रिक दोबारा दे सकते हो। बस फर्क यह है कि दुबई जाने तो पहला अपना तक तक करोना टैस्ट जरूर करवा लियो क्योंकि हमेशा अपने आप को सेफ साइड रख के चलिया करो। ये की हों जी कई बार नहीं करवा के जाते तो उतनी उन्होंने क्वारंटाइन प्लैन का अगर हिस्सा बनना पै गया तो समा तो पैसा दोनों खराब होगी। तो जो मेरी परसनल रिक्वेस्ट यह है बायोमैट्रिक के रिगार्डिंग कि तुम थोड़ा चेर अगर वेट कर लो तो चंगी गल आ। होप सो कि जो गल आप सुनने आ रही है कि नवंबर के लास्ट तक दिवाली तो बाद की है जो ये प्रोसैस नगे वी एफ एस जी उन्होंने तेज़ करे। सो बायोमैट्रिक भी इंडिया के ओपन होने की संभावना हैगी। नैक्सट आप गल करते हैं जी पासपोर्ट सबमिशन की। जिन्हें भीर रिक्वेस्ट आई हुई है उन्होंने रिक्वेस्ट के नाल उन्होंने पासपोर्ट सबमिशन का टू वे कोरियर का जो एक मैथड भी नाल आया हुआ उसकी की करना है जी कि तुहाडियां दो पासपोर्ट साइज फोटो जो स्पैशली एम्बैसी परपज वास्ते खिचाइया होंदिया ने उन्होंने दसिया हुई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तुहानू फोटोज चाहिए ने दो तुहाडे पासपोर्ट की कापी चाहिए है जी नाल फोटो कापी चाहिए है। सैकेंडली की करते जो तुसीं तुहाडे कोरियर दे जो है वो उपर लिंक दिता होया तुसी वो लिंक भरते हो उत्थे अपनी फीस नू जो पे करते हो तुसी टू वे कोरियर दी नू उस तो बाद तुहानू एक कोड आउंदा तुहाडे फोन के उपर भी या तुहाडी मेल के उपर भी आएगा तुसी उहदा फोन तो स्क्रीनशॉट लैके या मेल तो उहदा सीधा प्रिंट आउट लैके उहनू नाल जरूर लगाउणा है अपना पासपोर्ट भेजण तो पहला। तो जो भी कोरियर सर्विस हैगे ने उह तुहाडे घरों पासपोर्ट नू पिक करनगे जी तुहानू किते भी जाण दी लोड़ नहीं हैगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन उन्होंने वास्ते जिन्होंने पासपोर्ट की पहला की रिक्वेस्ट आई हुई है पर उन्होंने जो है कि कोरियर प्लैन नाल नहीं आया तो वह मेरे वीर प्लीज़ वेट कर लैन क्योंकि एक वीर हैगा उन्हें मतलब जल्दबाजी की जिमें कहते होंगे कि काली अगे टोए तो वह वाकई वह गल हुई उस वीर नाल उहदी अपरूवल आई हुई सी उन्हूं पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आई हुई सी उन्हें सीधा वी एफ एस चंडीगढ़ के नाम से उन्हों का एड्रैस देख के जो उन्हों का कोरियर करता हुण ना तो उत्थे पासपोर्ट रिसीविंग दी उहनूं कोई ना कोई मेल मिली है बट जो कोरियर सर्विसिज आ उहनां वल्लों पासपोर्ट उहदा डिलीवर कर दिता गया। सो इहदे च की हुंदा वीरो कि पहुँच तो चलो उहनां कोले जाणा ही है अगर तुसीं एड्रैस सही भरिया होया बट इहदे विच की है कि तुहाडे अगर कोरियर प्लैन दे अकॉर्डिंग तुसीं आउंदा तुहानूं उहदे अकॉर्डिंग भेजदे हो तां तुहाडा जिहड़ा हैगा टाइम भी बचेगा ते तुहाडा जो है पासपोर्ट स्टैंप हो के अपने निश्चित समय ते दित्ते होए समय ते तुहाडा तुहाडे कोल वापस आ जाएगा। तो अगर तुसी बिना किसी डिटेल तो उन्होंने भेजते हो तो तुहाडा पासपोर्ट महीना दो महीने तीन महीने उत्थे पिया भी रह सकता जिहदे नाल तुहाडा सब तो ज़्यादा नुकसान है। फिर भी तुसी इन्हां चीज़ों के रिगार्डिंग कोई होर जानकारी लेना चाहते हो या तुसी स्पाउस ओपन वर्क परमिट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तुसी सानू मिल सकते हो साडे हैड ऑफिस ग्लोबल एक्सेस वीजा एंड इमीग्रेशन नेड़े कोटकपुरा एंड डेन गैस सर्विस कोटकपुरा आके सानू मिल सकते हो। असी सुबह 9 बजे तो लैके 7 बजे तक अवेलेबल होंगे जी ऑफिस के सू आने तो पहला प्लीज़ कॉल कर लिया करो और अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर नाल लिया करो या तुसी सानू हेठ लिखे जो डिस्क्रिप्शन के नंबर दिता हुआ है उसे सानू कॉल करके किसी भी समय किसी भी तरह की जानकारी लै सकते हो। धन्यवाद जी।